नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ललिता घाट पर बन रहे जेटी का निर्माण कार्य, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं उसी का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने एक महीने पहले इसका लेटेस्ट अपडेट दिया था और उसके बाद मैं आज देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ ललिता घाट पर और इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि ललिता घाट पर जेटी का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इससे पहले ललिता घाट पर बालू पंपिंग का कार्य चल रहा था, जो कि पूर्ण रूप से अब बालू पंपिंग का कार्य समाप्त हो चुका है। अब ललिता घाट पर आप देख रहे होंगे जो कि मिट्टी को पाटा जा रहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और इसी घाट के किनारे किनारे गड्ढे खोदकर उसमें छड़ डालकर सीमेंट बालू और गिट्टी से ढालने का कार्य काफ़ी तेज़ी से इस समय चल रहा है। और जेटी का निर्माण कार्य ललिता घाट पर और जलासेन घाट और मणिकर्णिका घाट पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आप सामने देख रहे होंगे जो कि गंगा सफाई अभियान में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और यह अपने बनारस के ही लोकल लोग हैं। तो दोस्तों, यह है ललिता घाट, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और ललिता घाट के ही ऊपर है पशुपतिनाथ मंदिर, और जिसे नेपाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आप सामने ही जो देख रहे हैं, यह जो टीना सेट लगा हुआ है, उसी के पीछे जो कि पुलिस प्रशासन की कुछ टीमें भी लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि अगर आप दशाश्वमेध घाट, मीर घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए अगर आप मणिकर्णिका घाट के लिए जाना चाहते हैं, तो इस समय ललिता घाट पर ही रास्ता को बंद कर दिया गया है। इसका कारण है जो कि ललिता घाट पर जेटी का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके वजह से रास्ता को बंद कर दिया गया है। और वहीं आप अगर मणिकर्णिका घाट से भी ललिता घाट की तरफ आना चाहते हैं, तो जलासेन घाट पर ही रास्ता को बंद कर दिया गया है। और पुलिस प्रशासन की टीम उस तरफ भी, यानी कि जलासेन घाट की तरफ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे सामने बहुत ही तेज़ी से कार्य चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ही सीढ़ियां बनाने का भी कार्य काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट लगभग अक्टूबर के माह में बनकर तैयार होने वाला है। Thank you.
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।